हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बेचती हूँ। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में लेके आ चुकी हूँ अपना ऑल ज्वेलरी कलेक्शन। इस वीडियो में मैं आपको अपना दिखाऊंगी ज्वेलरी कलेक्शन। तो मैं इस वीडियो को दिखाऊंगी टू पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी अपना सिल्वर कलेक्शन और सेकंड पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी अपना गोल्ड कलेक्शन। सो फ्रेंड, आप मेरी वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक बनी रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड, ये है मेरा ऑल गोल्ड एंड सिल्वर कलेक्शन है। इन सारे बॉक्सेस में मेरे सिल्वर एंड गोल्ड ज्वेलरीज हैं। सो फ्रेंड, चलिए वीडियो स्टार्ट करते। तो देखिए, फर्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ ये। तो देखिए, मेरा इसमें है पायल। तो ये देखिए, इस तरह के बॉक्स में मैंने रखा हुआ है। और ये पायल, ये जो बॉक्स है मुझे ज्वेलर्स के पास से ही मिला हुआ था। तो ये देखिए, फर्स्ट मेरी ये रही पायल है, जो कुछ इस तरह के डिज़ाइन पे हैं। तो मैं आपको सिर्फ वीडियो में अपनी ज्वेलरी कलेक्शन ही दिखाऊंगी, किसी का प्राइस नहीं बताऊंगी। तो ये देखिए, कुछ इस तरह की डिज़ाइन में है। और इतनी हैवी पायल मैं हमेशा शादी पार्टी में ही पहनती हूँ, जब मुझे कहीं बाहर जाना होता है। नहीं तो मैं हमेशा घर पे ऐसी हल्की पायलें होती हैं। तो ये देखिए, दोनों इस तरह की डिज़ाइन पे हैं। ये देखिए, और मैंने इस पायल में क्या किया था, इसमें जो इस तरह से घुंघरू बज रहे हैं, तो इसमें जो घुंघरू थे ना, बिना बजने वाले थे। तो मैंने ज्वेलर्स की दुकान में इसमें इस तरह के बजने वाले घुंघरू डलाए थे। और एक पायल में छः छः, यानी कि एक पेयर पे सिक्स सिक्स ये घुंघरू मैंने डलाए हुए थे। तो ये काफ़ी हैवी पायलें हैं। तो ये देखिए, कुछ इस तरह की हैं। सो फ्रेंड, आपको मेरा इस ज्वेलरी में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा है वो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद ये देखिए, सेकेंड ये है। तो इस पर मेरी है हाफ पेटी। तो ये जो हाफ पेटी है, ये मुझे मेरी शादी में मिली हुई थी। और जो मैंने पायल है ना, वो मैंने अपनी खुद बनवाई हुई थी। तो ये देखिए, कुछ ये इस तरह की हाफ पेटी है। ये देखिए, बीच में देखिए, कुछ ये इस तरह का हार्ट बना हुआ है। तो आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे से दिख रहा हो। हाफ पेटी कुछ इस तरह की है, ये देखिए। और इसमें देखिए, कुछ ये हार्ट तरह का बना हुआ है। और इस पे नीचे देखिए, झुमकी की तरह ये बना हुआ है। और इस पे देखिए, कुछ इस तरह के तीन लटकन बने हुए हैं। तो ये देखिए, इसमें तीन हार्ट बने हुए हैं। और ये कुछ इस तरह का, इसको लगाना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। सिर्फ आपको ये देखिए, कुछ ये इस तरह का हुक टाइप का लगा हुआ, बस आपको इसको इस तरह से लगाना रहता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, तो इस तरह से आप इसे लगा देंगे और काफ़ी अच्छे से ये लग जाता है। तो जब आप इसे कमर पे लगाएंगे फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। मैं आपको इस वीडियो में ही दिखाऊंगी कि इसे कैसे टक करते, बहुत ही ज़्यादा ईजी है इसको लगाना। ये देखिए, इस तरह के बॉक्स में मैं इसे रखी हुई हूँ। और जब से ये रखा हुआ है तो काला भी नहीं पड़ता है। और ये आपको तो पता है, कभी ऑलवेज तो लगाना ही नहीं रहता, कभी कभी लगाना रहता। तो मैं इसे शादी पार्टी में ही लगाती हूँ। इसके बाद फ्रेंड, ये देखिए मेरा सेकेंड ये रहा। तो मेरे पास सेकेंड ये इस तरह का एक गुच्छा है। तो इस तरह के बॉक्स में मैंने रखा हुआ है। तो ये देखिए, ये गुच्छा कुछ इस तरह का है। और इस गुच्छे को मैंने नहीं लिया हुआ है, ये मुझे मेरी रिसेप्शन में मेरी दीदी ने मुझे दिया था। तो ये देखिए, कुछ इस तरह का ये है। तो इसमें देखिए, तीन तरह का ही बना हुआ है, पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा। और इसमें इस तरह के लटकन है। इसको भी बहुत ही ईजी अटक करना। इस तरह का देखिए, ये हुक लगा होता है। और इस हुक में आप इसे लगा देंगे तो देखिए, इस तरह का ये पिन हो जाएगा। तो ये देखिए, कुछ इस तरह का मेरे पास सेकंड गुच्छे है। तो मेरे पास सिल्वर में मैं जो ये ना गुच्छा ओनली टू ही है, एक ये हाफ पेटी और एक ये इस तरह का गुच्छा है। इसे वेस्ट चेन अगला देखती हूँ। इसके बाद फ्रेंड, ये देखिए अगले मेरे पास ये कुछ इस तरह की बिछिया है। तो मेरे पास काफ़ी सारी बिछिया थी जो मैं इसे पहन लेती, यानी मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती। तो देखिए, कुछ इस तरह की बिछियाँ हैं। ये देखिए, ये चेन वाली बिछिया है, इसमें इस तरह की ये घुंघरू लगे हुए हैं। और ये बिछिया देखने में कुछ ये इस तरह की है, ये देखिए। तो जब आप इसे पहनो तो बहुत अच्छा लगता है। और इस पर देखिए, चेन लगी हुई है। तो ये बिछिया तीनों एक पेयर में ही पहनते, तो काफ़ी अच्छा ये है। इसके बाद अगले ये है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल लेट न्यू है। मेरे पास कई सारी थी, तो मैंने दिवाली में ये अभी लेटेस्ट नए पायल और बिछिया पहने हुए थे। और ये देखिए, बिल्कुल लेटेस्ट है। और ये तीन तीन का पेयर का मैंने लिया हुआ था। तो ये देखिए, कुछ इस तरह का है, पूरी वाइट बिछिया है। और इस पे देखिए, ये देखिए,
और इस पे ग्रीन कलर का स्टोन लगा हुआ है और इसकी डिज़ाइन कुछ ये इस तरह की है। इसके बाद देखिए अगली। सो फ्रेंड ये देखिए, ये जो बिछिया है ना, ये मेरी तीसरी बिछिया है। ये मैंने मेरी शादी में मैंने पहना हुआ था, तो ये कुछ इस तरह की बिछिया। तो ये देखिए, ये मैंने शादी में मुझे पहनाई गई थी, तो अब से बिछिया ऐसी, तो बदल बदल के पहनने की वजह से ये बिछिया मेरे पास अभी भी है, इस तरह की हैं। तो ये भी मेरे पास तीन है ये मेरी बिछिया। बीच में अगर मुझे और भी दिखेंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अभी एक दो जोड़ी और भी हैं। तो ये जो बिछिया मेरे पास है फ्रेंड्स, ये सिक्स बिछियाँ हैं। तो देखिए सिक्स ये हैं, और ऐसे ही सिक्स का पेयर ये है और सिक्स का पेयर ये है। तो मैं अधिकतर हमें सिक्स का पेयर वाली बिछिया लेती हूँ, यानी तीन तीन पहन सकूँ, तो मैं हमेशा यही करती हूँ। सो फ्रेंड इसके बाद मेरा अगला कलेक्शन ये देखिए, ये इस पे हैं, सो फ्रेंड अगला कलेक्शन आप ये देखिए, मेरे पास ये है पायल। तो ये देखिए कुछ इस तरह की मैंने पोटली में बांध के रखा हुआ है। ये पोटली भी मुझे ज्वेलर्स के पास से मिली हुई थी, देखिए कितनी अच्छी लगती है देखने में। तो ये देखिए कुछ इस तरह की है। तो ये देखिए मेरे पास अगले पायल ये है। तो ये देखिए कुछ इस तरह के बॉक्स में मैंने रखे हुए हैं, और ये वाले पायल है ना मुझे शादी में मुझे मिले हुए थे। तो देखिए ये शादी के पायल हैं, इसकी डिज़ाइन कुछ इस तरह की है। तो ये वाले पायल मुझे शादी में मिले हुए थे, लेकिन मुझे इसकी थोड़ी सी डिज़ाइन कम अच्छी लगती थी, इसी वजह से मैंने दोबारा नए बनवाए थे पायल। तो ये शादी का है, और मैंने उसे मुश्किल से एक या दो बार ही पहना हुआ होगा, इसी की वजह से बिल्कुल नई सी लग रही हैं। आप देख सकते हो बिल्कुल नई सी लग रही हैं। इसमें कुछ इस तरह के घुंघरू लगे हुए हैं, तो ये घुंघरू बिल्कुल भी नहीं बजते हैं। तो ये और ये जो नहीं होते टाइट मोती होती जो बजती नहीं है, वो वाले हैं। और उस पर देखिए कुछ इस तरह के ये घुंघरू हैं जो ये बजते हैं। तो ये पायलें कुछ इस तरह की हैं, ये देखिए। और ज़्यादा पहनने के ना वजह से बिल्कुल ये नई जैसी लग रही हैं, आप ये देखिए, क्योंकि मैंने इसे एक से दो बार ही पहना है, इसलिए बिल्कुल ये नई है। इसके बाद अगली मेरे पास ये देखिए पायल है। तो ये जो पायल मैंने इस तरह के बॉक्स में इसलिए रखी हुई थी, क्योंकि इसका बॉक्स जब पहनो तो पता नहीं कहाँ रख दिया। तो इसी वजह से देखिए ये मेरे पास अगली पायल ये है। तो इस पायल में फ्रेंड क्या, यहाँ पे देखिए पिंक कलर के ये स्टोन लगे हुए हैं, और बीच में देखिए त्रि नग बने हुए, यहाँ पे राउंड में एक मीना लगा हुआ है। तो ये देखिए कुछ इसे मीना ही बोलते हैं आई थिंक। तो ये देखिए कुछ इस तरह का है। तो ये रही मेरी पायल। और ये जो पायल है फ्रेंड, ये देखिए मुझे शादी में गिफ्ट मिली हुई थी, लेकिन ये पायल अभी भी न्यू इसलिए रखी हुई है, क्योंकि शादी में जो मिली पायल थी ये रखी रहती हूँ, मैं हर टाइम कुछ ना कुछ नई लेती रहती हूँ, इसी वजह से ये पायलें मेरे पास अभी भी बिल्कुल नई रखी हुई हैं। तो इस पर आप देख रहे हो तीन मोती इस तरीके जुड़े हुए, और यहाँ पर ये पिंक कलर के स्टोन लगे हुए हैं। तो देखिए इसकी डिज़ाइन कुछ इस तरह की है। तो ये देखिए, तो ये पायल शादी वाले हैं जो मुझे गिफ्ट मिले थे। आई थिंक मुझे ये रिसेप्शन था ना मेरा, तब मुझे इसमें एक गिफ्ट मिला हुआ था। तो ये रहा मेरा चांदी का पायल, और जस्ट अभी लेटेस्ट ही मैंने फ्रेंड्स पायल ली हुई हैं दिवाली के टाइम, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड ये देखिए, ये जो पायल आप देख रहे हो, मैं आपको अपने पैरों से ही उतार के दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये दिवाली के टाइम मैंने लिए हुए थे, ये देखिए। तो ये पायल मैंने इसलिए लिए हुए थे क्योंकि मुझे बजने वाली पायलें जो है ना, वो बहुत अच्छी लगती हैं, तो इसी की वजह से मैंने ये वाली पायलें ली हुई थी। तो ये मैं डेली वेयर के लिए लिया हुआ था, इसीलिए मैंने इन्हें हल्का लिया हुआ था, क्योंकि हल्की पायलें ना तो आप डेली वेयर में आसानी से पहन सकते हो। तो देखिए कुछ इस तरह की डिज़ाइन है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, इसीलिए मैंने इसे डेली वेयर के लिए ले लिया था। तो मैं आपको दिखाने की वजह से पैरों से उतार के दिखा रही हूँ। इसके बाद फ्रेंड इसके बाद आप ये देखिए, कुछ इस तरह का फूल वाली बिछियाँ हैं, ये देखिए इसमें इस तरह का एक फ्लावर बना हुआ है, और ये इस तरह की मोटी बिछियाँ हैं। तो ये बिछिया भी मैं लेके आई थी दिवाली के टाइम पे। तो जब जिस दिन हमारे यहाँ दिवाली में पूजा होती है, तो हम लोग हर साल कुछ ना कुछ नया पहनते, वैसे तो करवा में ही पहनते, लेकिन मैं करवा पे नहीं आ गई थी, तो दिवाली में मैंने ये वाली पायल बनवाई थी, मतलब बनी बनाई मैंने मार्केट से ली हुई थी, और एक ये बिछिया। तो इस टाइम ये दोनों ही बिछिया और पायल मैं पहनी हुई हूँ। और इसके बाद मेरा जो अगला कलेक्शन है फ्रेंड, मेरे पास एक जोड़ी बिछिया और है, यानी कि मेरे पास चार पांच से छह जोड़ी बिछिया ही हैं।
तो ये देखिए अगला कलेक्शन, ये देखिए ये बिछिया रहे हैं, ये बिछिया मैं डेली वेयर पे पहनती थी, यानी ये काफ़ी टाइम से, यानी एक साल से ज़्यादा हो गए ये बिछिया मैं पहनती हुई आ रही हूँ, ये देखिए। और ये जो बिछिया है ना फ्रेंड, 4 का कलेक्शन है, तो ये देखिए कुछ इस तरह की बिछिया है, और ये काफ़ी अच्छी है और पहनने में काफ़ी ज़्यादा इजी भी रहता है, ये बिछिया बार बार फंसती भी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा हल्की है। तो देखिए इस तरह की बिछिया है मेरे पास ये, और इसके बाद अगला मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए सो फ्रेंड अगली पायल ये रही, इस पायल को बोलते हैं बरसाती पायल। तो ये पायल कुछ देखने में थोड़ी सी गंदी है, क्योंकि जो पायल है ना मैं डेली वेयर में पहन रही थी, और आप ये देख सकते हो बीच बीच में इसकी जो लड़ियाँ है ना वो टूट भी गई हैं, ये 5 जगह से फ्रेंड ये लड़ियाँ टूट भी चुकी हैं, क्योंकि जो पायल है ना मैं डेली वेयर में पहनती थी, और इस पायल का नेम बरसाती पायल है। तो काफ़ी टाइम से मैं इसे पहन रही हूँ, आई थिंक 2 ईयर से, बिलीव नहीं करोगे फ्रेंड मैं 2 ईयर से, यानी 2018 में मैंने यह पायल पहनी हुई थी, तब से मैं कंटिन्यू पहनती हुई आ रही हूँ। फिर मैंने दिवाली में जो ना फ्रेंड ये वाली पायलें पहनी हुई हैं, ये वाली, यानी तब से मैं कंटिन्यू ये पायल पहनती हुई आ रही हूँ। सो फ्रेंड आपको मेरा सिल्वर कलेक्शन कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।